हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं। यह 27 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण आदि। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। हम इन्हें दो में डिवाइड करते हैं इस आधार पर कि जो बदलाव हो रहा है वह पदार्थ के भौतिक गुणों में हो रहा है या रासायनिक गुणों में हो रहा है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के बाहरी रंग रूप को बदल देता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण, कागज के टुकड़े करना। एक बड़ा कागज लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उससे उसका रूप बदल गया, लेकिन कागज की प्रकृति में बदलाव नहीं आया। जल का भाप बनना, बर्फ का पिघलना आदि, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि उससे कुछ नया पदार्थ बन जाता है, ऐसे परिवर्तन को ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा अथवा प्रकाश का अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना, रंग या गंध में परिवर्तन होना, ये सभी भी नए उत्पाद के साथ घटित हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं, किसी भी पदार्थ का जलना, प्लास्टिक का निर्माण, लोहे पर जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है और इसमें नए पदार्थ बनते हैं, जैसे लकड़ी जल के कोयले या फिर राख में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर किसी पदार्थ को जलाया जा रहा है, उससे उसका प्रकृति या गुण, रासायनिक गुण बदल जाएगा। यहाँ लोहे में जंग लगा हुआ है, लोहे में जंग लगने के बाद लोहा अपनी कठोरता को खो देता है और मुलायम होकर टूटने लगता है। बच्चों, अब इससे संबंधित हमें प्रश्न करने हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले को जलाना, कोयले को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का खराब होना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें भी एक नया पदार्थ बन जाता है। लकड़ी का काटना, यह एक रासायनिक पदार्थ नहीं बनाता, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। गुब्बारे को फुलाना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न दो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच दो अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनको हम वापस पहले जैसा कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन से होने वाले बदलाव में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जैसे ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का बनना, इस प्रकार की घटनाएं भौतिक परिवर्तन में नहीं होती हैं। यह प्रश्न दो का उत्तर है। प्रश्न तीन, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मोमबत्ती के जलने के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि मोमबत्ती की बाती जलकर राख में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती का मोम पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार यह दोनों परिवर्तन दिखाता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।